टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सियाहती मंसूबों के साथ साथ वहाँ की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। ये न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ पेश किया जाता है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह तरक्की तेजी से हो रही है, इसी तरह ट्रैफिक भी बढ़ रही है। इस बढ़ती ट्रैफिक के पेश नजर श्रीनगर में जगह जगह ट्रैफिक कैमरे लगाए जा रहे हैं। यूं अब श्रीनगर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने की खातिर दुनिया के बड़े शहरों की तरह इंतजाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिला में आपको ANI की खसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर का नाम सुनते ही मन में खूबसूरत पहाड़ों, प्रकृति के मनोहारी दृश्यों का एक अद्भुत नजारा आंखों के सामने आ जाता है। इस कारण हर साल बड़ी तादाद में पर्यटकों की संख्या यहां देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के साथ ही इस केंद्र शासित प्रदेश की तस्वीर बदली और यहाँ के लोगों की जिंदगी खुशहाली में तब्दील हो रही है। साथ ही यहाँ के लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आया। जहां तक प्रगति की बात है तो जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। बात चाहे महिला सशक्तिकरण की हो, शिक्षा व्यवस्था की या यातायात सुविधा की, हर क्षेत्र में तरक्की साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में श्रीनगर शहर में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस ने एक अनोखा कदम उठाया है, जिसके चलते सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। गन लॉन्च हुई है और ये स्मार्ट कार जो लॉन्च हुई है, इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा सबके लिए। जैसे कि जो भी सीट बेल्ट नहीं पहनता, रैश ड्राइविंग करता है, ओवर स्पीडिंग करते हैं, जैसे ट्रिपलिंग होती है, तो इसमें वो सीधे कैच हो जाएगा और ट्रैफिक पुलिस वाले जो है दे कैन इजिली स्क्रीनशॉट इट और उनके पास एविडेंस भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर बोलते रहते हैं कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी। इसमें अब जिसकी जो गलती होगी वो साफ साफ दिख जाएगा। इट्स वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ अस। जी हाँ, अगर आप श्रीनगर से ताल्लुक रखते हैं या बतौर पर्यटक वहाँ घूमने जा रहे हैं तो संभल जाएं, क्योंकि श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देखेंगे जो स्पीड गन्स एंड बाकी कैमरा सिस्टम वगैरह पूरी स्कीम है जो लॉन्च हो रहा है, अभी स्टार्ट हो गए हैं। इससे अगर हम देखेंगे कि जो यहाँ पे लोग थे वो काफ़ी रैश ड्राइविंग करते थे, वेदर इज टू व्हीलर और फोर व्हीलर, इससे क्या होगा कि इन सब पे जो है वो कंट्रोल एक आ जाएगा। इन लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है दैट ओवर स्पीडिंग इज डेंजरस फॉर अस, डेंजरस फॉर अदर्स हु आर ड्राइविंग ऑन द रोड्स। तो इससे हमें उम्मीद है कि लोगों का वो जो सिविक सेंस है वो जागेगा एंड इससे काफ़ी ज़्यादा जो है हादसा जो होते थे वो रुक जाएंगे। श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस के पास स्पीड गन है, जिसकी मदद से ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों की गति को आसानी से माप सकेगी। आए दिन हम देखते हैं कि कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कितनी रैश ड्राइविंग्स होती हैं और ओवरलोडिंग को लेकर लोग कितना कंप्लेंट करते हैं। हमारी माएँ बहनें जब ट्रैवल करती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो उनको कितनी दुश्वारियां फेस करनी पड़ती हैं। सो आज ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर के साथ मिलकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है, जहां पर स्मार्ट इंटरसेप्टर व्हीकल्स जो हैं ट्रैफिक पुलिस ने वो भी लॉन्च की हैं, स्पीड गन्स हैं जो लॉन्च किए हैं, जिनसे आने वाले दिनों में जो ऑनलाइन चालान किए जाते हैं उनमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा और जो वायलेशंस हो रही हैं, जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा जा रहा है, उनको लेके भी काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट हम देखने को मिल सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अक्सर ड्राइवर तय गति सीमा से तेज वाहन चलाते हैं, जिसके कारण सैकड़ों सड़क हादसे होते हैं। ऐसे में प्रशासन की ये पहल काफी सराहनीय है। दिन ब दिन चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे ट्रैफिक पुलिस के लिए, तो उसके लिए ये चीजें हैं। इसमें आपने देखा जैसे एक 360 डिग्री मूव करने वाला कैमरा है, ऊपर आपने देखा जो आपने कैप्चर भी किया है, और एक डिस्प्ले बोर्ड है जिसपे हम मैसेजेस देते हैं। जैसे अभी एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि फॉर योर सेफ्टी यू वेयर सीट बेल्ट, तो ये चीज़ें आती रहती हैं उसमें। उसके अलावा एक स्पीड गन है जिसको आपने कैप्चर किया है अभी, तो हर एक रोड के लिए एक स्पीड लिमिट होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी उस पर फ़ोन पे, तो उसी हिसाब से हम ये स्पीड कैप्चर करते हैं। तो देखते हैं कोई रैश एंड नेग्लिजेंट
ड्राइविंग तो नहीं कर रहा, ओवर स्पीड तो नहीं कर रहा है, तो उसके हिसाब से फिर उसमें कैप्चर करके हम प्रिंट आउट निकालते हैं, तो उसका उसके खिलाफ जो है लीगल कार्रवाई हो जाती है। इंडियन आर्मी ने कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के हायर सेकेंडरी स्कूल में जश्न दुरुग माला का एहतमाम किया। ये जश्न 40 साल के बाद मुनक्किद हुआ, जिसमें अवाम और तुलबा और तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जश्न दुरुगमाला का हम बहुत ही खैर मकदम करते हैं कि जश्न दुरुगमाला मेरे ख्याल में तकरीबन ये काफ़ी सालों के बाद यहाँ पर हुआ है। इससे पहले तो हुआ, एक बार हुआ पिछले साल, आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया 216 मीडियम रेजिमेंट ने 28 आरटी ब्रिगेड के सहायता से। लेकिन इस बार जो जश्न दुरुगमाला हुआ वो कुछ अलग ही था, क्योंकि इस बार जो है लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, खासकर यूथ, यहाँ के नौजवानों ने। दो दिन यहाँ पर गेम्स हुए, यहाँ पे खो खोज हुए, वॉलीबॉल हुए, ये बाकी गेम्स हुए, छोटे मोटे गेम्स हुए, बच्चों के गेम्स हुए। उसमें लड़कों ने, नौजवान यूथ्स ने और बच्चों ने, लड़कियों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो बहुत खुशी की बात है कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। ये जो आज जो जश्न दुरुगमाला हुआ है, ये आज कम से कम 40 साल के बाद में हुआ है पहले बार। इससे पहले एक बार हुआ था, आज 40 साल के बाद में ये हुआ है। लोग इससे जो है ना बहुत खुश है। ये प्रोग्राम जो अगर लगातार हो जाएंगे, जो नशा वाला प्रोग्राम है, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। और इस प्रोग्राम से, जश्न दुरुगमाला से लोग खुश है और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। आज कितने लोग थे यहाँ पे और कैसा रिस्पॉन्स बहुत लगा है। हम 28 आरटी ब्रिगेड का बहुत शुक्रगुजार है और 216 मीडियम रेंज का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। एग्री इंडस्ट्रीज विकास चैंबर्स और इंडोकाश के तावुन से जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नेशनल कॉन्क्लेव का अहतमाम किया, जिसमें तुलबा और तालबात को इनके लाइफ कैरियर के इम्कानात से रोशनास कराया गया। इस एजुकेशन एक्सपो का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया। I'm sure this is going to make a lot of difference because I personally have seen
Jammu, this Kashmir, Jammu Kashmir, the educational, foundational education is very strong, very good. Therefore, if you have a proper avenues of higher education, which I am sure this conclave will open up, I think there is a big scope and a bright future for the children in Jammu and Kashmir. जो हमने ये इवेंट किया है इट इज़ इन कोलैबोरेशन विद विकास चैम्बर. ये फेज सेकंड है. वी हैव डन द फेज फर्स्ट इन जम्मू, दैट वाज इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी. द मेन पर्पस ऑफ दिस इवेंट इज दैट वी वांट टू एक्चुअली शो कास्ट लाइक व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इज एनईपी, बिकॉज एनईपी इज अराउंड द कॉर्नर. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं. उन चैलेंजों को ओवरकम करने के लिए हमने एक्सपर्ट्स को पूरे कंट्री से बुलाया है. यू कैन सी दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग एंड दिस इज ऑल्सो इन कोलैबोरेशन विद द स्कूल एजुकेशन एज वेल. इससे ये मकसद हमें पता चलता है कि बच्चों का ट्वेल्थ के बाद क्या स्कोप है, कहाँ पर वो कहाँ पर अपने अपने गोल्स परस्यू कर सकते हैं. लाइक वी आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, तो हमारे पास डिफरेंट गोल्स होते हैं. एक बहुत सारा स्कोप है हमारे पास, हम क्या करेंगे आगे फ्यूचर में. लाइक दे आर प्रोवाइडिंग अस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और उनमें डिफरेंट कोर्सेज़ है. लाइक मेडिकल के स्टूडेंट्स में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट MBBS और इंजीनियरिंग, उसके अलावा भी बहुत सारे स्कोप्स है. हमारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, तो दैट हेल्प्स अ लॉट. आप चाहते हैं कि ऐसे इवेंट हो? ऑफ कोर्स ऐसे होने चाहिए, ताकि बहुत सारे बच्चे इसमें इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि वी वांट टू गो फॉर IAS और सम अदर प्रोग्राम्स, लाइक अदर जो हमारे पास फील्ड्स है तो उनमें जाना चाहते हैं लोग. तो बहुत मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे डिफरेंट, मैंने खुद नहीं देखा था वो कोर्सेज क्या है एक्चुअली, बट दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट. आपको एक खसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की बच्चियां अब नए माहौल में किस तरह तरक्की की मंजिलों की तरफ बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर में सरहद पार दहशतगर्दी पर नियंत्रण के बाद जैसे जैसे शांति का माहौल स्थापित हो रहा है, इससे जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों के निवासियों को तरक्की और खुशहाली की नई नई सौगातें मिल रही हैं। ये सच्चाई जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले राजौरी की नौशेरा तहसील में सामने आई। नौशेरा में सिमरन बाला नाम की लड़की ने पहली बार UPSC की परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 82 रैंक ही हासिल नहीं किया, बल्कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर सीधी नियुक्त पाकर रिकॉर्ड बनाया। इस बार के अटेम्प्ट में मैं जम्मू कश्मीर से अकेली लड़की हूँ, बाकी लड़के हैं, और डेफिनेटली बहुत प्राउड की मोमेंट है और मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है, रादर बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं इस चीज़ के लिए जो भी हुआ. और बहुत सपोर्ट रही पेरेंट्स की, टीचर्स की, सब लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हुआ है. और मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ, बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ. हार्डवर्क डेफिनेटली रहा, कंसिस्टेंसी रही, परसिवरेंस रही, कंटिन्यूस हार्डवर्क चाहिए, बट डेफिनेटली ब्लेसिंग्स, लक और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सरहद से सटे राजौरी जिले के नौशेरा जैसे इलाकों में कभी सरहद पार के दहशतगर्दों ने आतंक मचा रखा था, लेकिन जम्मू कश्मीर में शांति बहाली होने से अब उन्हीं सरहदी इलाकों के निवासियों को भारत के दूसरे राज्यों की तरह तरक्की हासिल करने के नए नए अवसर मिल रहे हैं. यही वजह रही कि नौशेरा जैसे पिछड़ी तहसील में सिमरन बाला की शानदार कामयाबी को लेकर
उसके माँ बाप ने बेहद फक्र और खुशी जाहिर की। ऐसे पेरेंट्स टाइमली बच्चे को मोटिवेट करते रहे कि आप इस फील्ड में अच्छे हो, क्योंकि मैं जब ये स्कूल में थी तो मैं इसके कॉलेज में भी इसके टीचरों से जो पीटीएम में हम जाते रहे वहाँ भी जो प्रोफेसर थे उनसे बात होती रही, उन्होंने भी बोला कि बच्ची जो है बहुत आगे जाएगी, तो मैं सर फुली सपोर्टेड करता रहा बच्चे को और इसको टाइमली जो है मोटिवेट करता रहा। बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारा सपना था कि हमारा बच्चा, हम जब बच्चे निकलते थे तो हमारे को भी खुशी होती थी कि तो निकल रहे हैं, हमारा बच्चा भी किसी दिन निकलेगा, तो अब निकला है तो हमें बहुत खुशी हुई। यूट्यूब अब दुनिया का सबसे बड़ा टेलीविजन बन चुका है। इस हकीकत का इदराक करते हुए जम्मू कश्मीर यूट्यूब फेस्टिवल मुनक्किद हुआ। इस दिलचस्प फेस्टिवल का अहवाल आपको दिखाते हैं। श्रीनगर में युवाओं के लिए दो दिवसीय यूट्यूब फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के उत्पादों की प्रदर्शनी और स्टॉल लगाए गए। इसमें कई मशहूर यूट्यूबर भी शामिल हुए जो कश्मीर के युवाओं का मनोरंजन करते हैं। ये कार्यक्रम चंडीगढ़ के आर्यस ग्रुप ऑफ कॉलेज द्वारा आयोजित किया गया। इसमें कई युवा उद्यमी भी शामिल हुए। एक्सपोजर मिल रहा है लोगों को इस फेस्टिवल की वजह से, लोग आ रहे हैं, लोग जान रहे हैं व्हाट स्टार्टअप बिजनेस इज, तो लोग छोटे छोटे स्टार्टअप्स कर रहे हैं यहाँ पे, आधे पेंटिंग कर रहे हैं, हम हूप मेकिंग कर रहे हैं, समवन इज डूइंग समथिंग एल्स, तो ऐसे क्या हो रहा है कि यूथ जो मतलब इसे जनरेट हो रहा है, ठीक है, प्रोग्रेस हो रहा है यूथ। इस कार्यक्रम में कई मशहूर यूट्यूबर भी शामिल हुए, जिस वजह से बड़ी संख्या में युवा नजर आए। यहाँ पर आज एडम्स एप्पल करके एक इवेंट, मतलब यूट्यूबर्स का इवेंट हो रहा है, जिसमें स्टॉल्स वगैरह लगे हैं, और जो भी हमारे अभी सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स जिनका बहुत ज़्यादा यू नो पीपल लव देम, दे फॉलो देम, वो आए हुए थे, अंदर इवेंट चल रहा था, तो इसलिए किया गया मोस्टली, ये फ्यूजन ने इसलिए किया ताकि जो यूथ है यू नो दे कम और वो देखे यहाँ पर कि किस तरीके से उनको अपना टाइम सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना चाहिए। लाइक यू नो आजकल आप देख रहे हैं कश्मीर में ड्रग्स वगैरह ज़्यादा फैल गया है, तो आई जस्ट सजेस्ट कि हर कोई जो बच्चा है, यूथ है, वो अपने अंदर का हुनर निकाले, अच्छी चीज़ें करे, अच्छी डायरेक्शन में जाए और अपना टाइम सही तरीके से इस्तेमाल करे। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टिसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।